रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई है। चलिए थोड़ा सा इवन एलिमिनेशन और देखते हैं। अरे इवन एलिमिनेशन भी नहीं देख रहे, अपना पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, जरा समझिए। हम लोगों ने बोला कि हमारे पास है ये वाली एल्कीन, ये वाला एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन कराई H2O के साथ और हीट दिया, क्या बनेगा? ये ऐसा कार्बोकटायन बनेगा। अब ये वाला कार्बोकटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, अपने को ये जजमेंट लेना है। देखिए हमेशा रीअरेंजमेंट 1-2 होगा, मतलब 1-2 मतलब ये वाली पोजीशन जो होगी ये 1 और इसके बाजू वाली पोजीशंस जो होंगी वो 2, मतलब यहाँ से कोई ग्रुप निकल के यहाँ आ सकता है। अब यहाँ पे क्या है, आपको दो हाइड्रोजन दे रखे हैं और एक आइसोप्रोपाइल दे रखा है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से हाइड्रोजन ही पहले शिफ्ट करेगा। और मान लो यदि ये शिफ्ट करता तो ये ऐसा बनता। इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है या 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये लेस स्टेबल है। यदि ये लेस स्टेबल है तो ये नहीं होगा, प्रोडक्ट इसी से बन जाएगा और वैसा ही बनेगा, ऐसा बनना चाहिए था, मोर स्टेबल एल्कीन। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको हर स्टेप पर ये देखना होगा कि क्या अगले वाले स्टेप पे मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है। उसे और देख लेते हैं, हमारे पास है मान लीजिए हमारे पास है ये, और हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पर ये क्लोरीन लगा हुआ है, हमने इसकी रिएक्शन कराई H2O और हीट के साथ, क्या होगा? देखिए सबसे पहले ये Cl निकलेगा क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है, और ये Cl निकलने के बाद ये कार्बोकटायन ऐसा बनेगा। अब ये कार्बोकटायन रीअरेंज करेगा, इस पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये रीअरेंज करेगा और ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन थे और एक ये बड़ा वाला ग्रुप था, तो हाइड्रोजन पहले माइग्रेट करेगा, दिस ये बन जाएगा। अब इसके बाद इस वाले कार्बन पे आके और फायदा हो सकता है इसको, पर इन तीनों में से सबसे पहले कौन शिफ्ट करेगा? इन तीनों में सबसे पहले शिफ्ट करेगा अराइल शिफ्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर पॉजिटिव इधर, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए, ये 1 था तो ये 2 हो गया था, अब ये 1 है तो ये वाला 2 हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन वापस से बैक शिफ्ट मार जाएगा इधर, और हाइड्रोजन के शिफ्ट मारने से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के शिफ्ट मारने से ये बन जाएगा कुछ ऐसा। एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, आखिरी कार्बोकटायन ये रहेगा, और ये रहने के बाद जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन कुछ ऐसी बनेगी, ये वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट? तो आपको हमेशा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना है, उसी के साथ शिफ्ट कराना है, ऐसे अकेले अकेले शिफ्ट नहीं करा लेना है। थोड़ा सा और आगे और देखते हैं, मान लो ये है और यहां पर ये सीएल लगा हुआ है, या यहां पर ये सीएल लगा हुआ है, आपने इसकी रिएक्शन कराई H2O और हीट के साथ, क्या होगा? मैं सबसे पहले आपको ये वाला कार्बोकटायन बनेगा,
ये कार्बोकटायन रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करने के बाद ये वाला कार्बोकटायन बनेगा। रीअरेंजमेंट के बाद अब इसके जस्ट बाद क्या होगा, शिफ्ट होगी। या तो देखिए ये यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है तो कौन क्या क्या शिफ्ट कर सकता है, या तो ये मिथाइल करे दोनों, या ये बड़ा वाला ग्रुप करे। अब आपको याद है कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, इतना बल्की होगा, इतना बड़ा होगा, उतना अच्छा प्लस आई डोनर होगा, ये अच्छा है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए इसके बाद शिफ्ट कराने का फायदा है या नहीं है वो आपको देखना होगा, क्योंकि इस पे अभी 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यदि आप वापस से बैक शिफ्ट कराते तो 7 अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, मतलब मेजर एल्कीन इसी के थ्रू बन जाएगी, और मेजर एल्कीन मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आपको इवन एलिमिनेशन समझ में आया सर? बोल बेटा। सर वो जो लेफ्ट साइड में लास्ट सेकंड वाला किया ना, उसमें अल्फा हाइड्रोजन तो कम हो गए ना बाद में। और बेटा रेजोनेंस को ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है ना। हाँ सर। प्लीज कॉपी कर लीजिए सर, और देखते हैं इसको। सर बोल भाई। सर लेफ्ट वाले के जो लास्ट रीअरेंजमेंट था उसमें एच क्यों शिफ्ट हुआ, एराइल होना चाहिए था कहाँ पे? अच्छा हाँ सॉरी, एच स्ट्रॉन्गर है इधर इधर। नहीं सर समझ गया हूँ, गलती से मैं। प्लीज कॉपी करो। सर सर बोल भाई। सर फोटो भेजिए ना, बहुत ब्लर आ रहा है।
ननाद ने भेज दी है ना। ननाद ने भेज दी है। चलिए सर एक मिनट रुको।
अभी हो गया। हाँ सर, आगे देंगे। क्या बनेगा? समझिए, सबसे पहले वाले में क्या होगा, यहां से सीएल निकलेगा, कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन बनने के बाद ये कुछ ऐसा कार्बोकटायन बनेगा, पहला कार्बोकटायन। अभी रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करके क्या बनाएगा, देखिए ये कुछ ऐसा कार्बोकटायन बनाएगा। इसके बाद फिर से एल्काइल शिफ्ट होगी इधर, पर अब प्रॉब्लम क्या है, क्या शिफ्ट होगा, इथाइल शिफ्ट होगी, मिथाइल शिफ्ट होगी, टर्शरी ब्यूटाइल शिफ्ट होगा। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्योंकि ज्यादा अच्छा सिग्मा डोनर है, मतलब ज्यादा अच्छा प्लस आई ग्रुप है, तो ये माइग्रेट करेगा और ये माइग्रेट करके क्या बना लेगा, ऐसा। ठीक है, और अब मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसी से, और मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके लिए, ये वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी। दूसरा वाला केस ये, फिर से बोल भाई। सर, ये फर्स्ट वाले केस में आपने मतलब एक कार्बन छोड़कर भी अगर बल्कि ग्रुप हो तो फिर उसको शिफ्ट नहीं, करने में प्रॉब्लम नहीं आती है? एक कार्बन छोड़ के कहाँ बल्कि ग्रुप है, कहाँ नहीं मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके एक कार्बन छोड़ के बोल रहा हूँ, पर है एक तो कार्बन उनको छोड़ के शिफ्टिंग बल्कि? में वो प्रॉब्लम, जिस भाई पर अभी कहाँ आपने पर? रीअरेंजमेंट किया ना हाँ तो वन टू ही तो बल्कि शिफ्ट ग्रुप। किया भाई, ये वाला वन कार्बन हो गया, ये वाला टू कार्बन हो गया, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ के घुमाया ना इधर, कहाँ दूसरे कार्बन से कराया। हाँ सर, ऐसा है, कभी भी वन टू के अलावा कोई और शिफ्ट नहीं होती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यदि कोई और शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब है कि अपन ने गलत आंसर बना दिया। ये वाला कार्बोकोटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकोटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगी। अब बताओ सबसे पहले कौन रीअरेंज करेगा इन तीनों में से, तीनों बेंजीन रिंग में सबसे पहले कौन रीअरेंज करेगा? क्या NO2 वाला पहले तो हाइड्राइड होगा ना क्या? सर पहले तो हाइड्राइड शिफ्ट। सर OCH3 वाला। अच्छा चलो, पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगी, सही कह रहा है वो। लो हाइड्राइड शिफ्ट हो गई भाई।
अब बताओ क्या शिफ्ट होगा सर? अब सर OCH3 वाला क्यों सर? क्योंकि वो प्लस माइग्रेटर या बिल्कुल निनाद ने भी यही कहा था. गुड, OCH3 वाला स्विच शिफ्ट करेगा क्योंकि उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है. और अब मेजर एल्कीन बन जाएगा इससे. ठीक है, इसमें क्या होगा? ऐसा बनेगा, फिर रीअरेंज करेगा. अब क्या अनशिफ्ट करेगा बताइए? सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला साइड, सबसे नीचे वाला क्यों? नीचे वाला बल्कि है इलेक्ट्रॉन डोनर है. बल्कि मतलब उसको अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर बोले यार बार बार. बल्कि वाला है ना, आगे भी काम आएगा. कई बार हो सकता है अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर हो पर बल्कि नहीं हो. तो दोनों कंडीशन सही है क्या? नहीं नहीं, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर, यूजुअली अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बल्कि ग्रुप्स यूजुअली. ओके सर, बट नॉट ऑलवेज. ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बनने के बाद अब एल्कीन बनाएगा जो मोर स्टेबल एल्कीन हो सकती है. भाई इसके अलावा कोई और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है. ये प्रोडक्ट हो गया. इधर समझिए, पहला कार्बोकैटायन बनेगा, पहला रीअरेंजमेंट की कोई टेंशन नहीं है इन सब एग्जांपल्स के अंदर, क्योंकि मैंने बनाए ही ऐसे हैं कि आप पहला रीअरेंजमेंट तो आराम से करवा ही लेंगे, थोड़ा तो आपको आइडिया लगेगा. अब सबसे पहले कौन माइग्रेट करेगा बताइए? रणा भाई तेरी आवाज नहीं आई ना बिल्कुल. तेरा ऐसा लगा तूने कुछ बोला पर तूने कुछ बोला नहीं ऑन रिकॉर्ड्स. सर स्क्रीन बहुत गीली है आज. स्क्रीन सर आपने सेम ड्रॉ किया हुआ दोनों. हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि रीअरेंज कौन करेगा सर? वो बेंजीन वाला. क्यों? बल्कि है और माइनस साइड भी प्लस साइड भी. सर वो मैं सर पहले हाइड्राइड होगा. एक बात बताओ, सबको इमेज ज्यादा ब्लर दिख रही है आज कि एक आध दो कुछ लोगों को? यदि सबको लग रही है तो मैं नेटवर्क चेंज करूं. इसलिए ब्लर ज्यादा नहीं है पर है, मतलब पढ़ते आ रहा है. नहीं सर कर रहा है सर. सर वो मिथाइल रीअरेंज होगा सर. हाँ भाई, फिर वो मिथाइल रीअरेंज होगा. क्यों सर? और तो इफेक्ट लग रहा है वहां पे. शानदार, चलो
चलिए देखिए इसके बाद क्या रीअरेंजमेंट होगा। ये आइडियली ये शिफ्ट करना चाहिए था पर ये शिफ्ट नहीं करेगा, जैसा कि निनाद ने बोला यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, मतलब उसको भी नहीं मालूम है उसने क्या बोला, बट सिंस उसने बोला तो अपन मान लेते चुपचाप, उसको क्रेडिट दे देते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। अब यहां पर एक बात नोट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप्स डू नॉट माइग्रेट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो पोजिशन के ऊपर जो ग्रुप है वो प्रॉब्लम कर देता है, वही समझिए ये जो मूवमेंट है वो कैसा होना है, ये मूवमेंट है ऐसा भाई, ये बेंजीन रिंग है, मतलब मैं मान लो माइग्रेटरी ग्रुप हूँ, मेरे को इधर शिफ्ट करना है, मेरे ऊपर यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला ग्रुप और ये जो जगह है ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करके दूर दूर चले जाएंगे, इस वजह से मेरा जो बॉन्ड शिफ्ट होना है उसका और वेकेंट ऑर्बिटल का इंट्रैक्शन ही नहीं होगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर सर? फिर से बताऊं? यस सर। भाई जरा बात समझो, मान लो ये दो कार्बन है, ये जो ढक्कन है ना ये जो है ये कार्बोकटाइन है, ये शिफ्ट है, ये बेंजीन रिंग है। अब आपने क्या किया, ये जो मेरा फोन है ये बेंजीन रिंग है, अब ध्यान देना आपने क्या बोला कि यहाँ पर एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑर्थो है, ये बल्की ग्रुप है, रोटेटेबल बॉन्ड है, मतलब ये कभी कभी बल्की इधर रहेगा कभी नहीं रहेगा, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बल्की ग्रुप है ये सबको रिपेल कर रहा है, यदि ये सबको रिपेल कर रहा है तो ये वाला जो बॉन्ड है जिसको इंट्रैक्ट करना है यहाँ से, ये कभी भी उधर अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये पूरा का पूरा ऐसे कभी शिफ्ट नहीं करेगा। आर वी क्लियर? सर बोलो। सर ओ सी एच थ्री माइनस एम ग्रुप है ना? ओ सी एच थ्री प्लस एम ग्रुप है, सी एच थ्री प्लस एच ग्रुप है, ओ सी एच थ्री प्लस एम ग्रुप होता है। प्लीज कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद एक और टाइप का रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, इसको अपन बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, फिर कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। बोल भाई। फोटो भेजिए ना सर, वो ऑर्थो का सी एच थ्री मतलब उधर कैसे गया? सर पहले आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया ना? पहला हर केस में हाइड्राइड ही किया है। प्रणव क्लियर है? सर वो पहला एग्जांपल फ्रेम के बाहर चला गया। एक मिनट भेज दिया, अब मैं फ्रेम एडजस्ट करूंगा, मैंने फोटो भेज दी है, मैं जरा फ्रेम एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी फ्रेम में आ गया ना विनाद? नहीं सर पूरा नहीं दिख रहा वो। सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना।
हाँ सर दिख रहा अब। कॉपी कर लीजिए। नमिश नहीं आ रहा है क्या? आज भी नमिश नहीं है? कॉपी हो गया क्या?
सर एक मिनट नहीं अमान कोई भी ग्रुप होता तो नहीं हो पाता सबका हो गया तो आगे बढ़े हैं। सर एक मिनट
सर हो गया। आगे देखते इस मंडे को टेस्ट है ना। हाँ सर। और कल आज और कल लॉकडाउन है। देखिए अब अगले टाइप का जो कार्बोकटायन शिफ्ट है वो है रिंग एक्सपेंशन। जरा ध्यान दीजिए मान लो आपके पास ये है लाइट, आपने इसकी रिएक्शन कराई H2O के साथ और हीट पे, क्या बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसा। अब इसके बाद इसके पास दो ऑप्शन है रीअरेंज करने के लिए। पहला ऑप्शन तो क्या है कि यहाँ पे एक H है, ये H माइग्रेट कर जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये वाला जो एक बॉन्ड है इधर दिस और दिस, जो भी कोई ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर हो, वो वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए। जैसे ही ऐसे शिफ्ट करेगा तो ये रिंग कितने की हो जाएगी, रिंग हो जाएगी 6 की। और यदि ये वाला कार्बन डॉट है जिससे अपन ने बॉन्ड तोड़ा है तो ये वाला कार्बन डॉट होके और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो 5 मेंबर की रिंग। छह मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो रही है, इस चीज को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। और ये वाला ही शिफ्ट होगा, ये वाला शिफ्ट बहुत कम होगा। देखिए कार्बोकटायन स्टेबिलिटी आने के अंदर कार्बो, सिर्फ कार्बोकटायन नहीं, रिंग स्टेबिलिटी या कंपाउंड स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो यदि आप कंपाउंड स्टेबिलिटी रिंग एक्सपैंड करा के लेके आ सकते हो तो वो भी आ सकती है और इसका एल्कीन बन जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है और 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जरा एग्जांपल्स और बोल भाई। सर वो समझा नहीं सर, वो शिफ्ट कैसे हुआ? मान लो ये क्लोरीन, आपने इसको हीट H2O के अंदर हीट किया, क्या होगा? ये क्लोरीन निकलेगा और ये बनेगा ऐसा कार्बोकटायन। ये ऐसा कार्बोकटायन बनेगा। अब समझ, ये वाला जो बॉन्ड है, नीले ध्यान देना, ये वाला जो बॉन्ड है
हम ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड ये था ये ऐसे जा रहा है, समझा? मतलब अब इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है कि इसका ग्रुप शिफ्ट हुआ है, और एक दो तीन चार पांच की रिंग बन जाएगी, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था उस पर आपने ये मिथाइल जो इस पर एक्सपेंड हुआ है उस पर आपने ये जोड़ दिया, और ये जो इस पॉजिटिव के बाजू में जो कार्बन था इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर से रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट होके ये ऐसा कार्बोकटायन बन जाएगा, और इसके बाद आपको मिल जाएगी एल की। निलय क्लियर है? निलय सर वो ये नहीं समझ रहा कि वो फाइव मेंबर रिंग कैसे होंगे, सिक्स मेंबर रिंग होनी चाहिए सर, राइट में इधर इसमें नहीं, सबसे नीचे वाले राइट में, वो ये सबसे नीचे वाला राइट में, हाँ यही ना? हाँ सर। भाई छह कैसे होगी, सोचना, एक एटम, दो तीन चार पांच, भाई ये तो अटैक कर रहा है ना इधर, हाँ सर, कितने मेंबर रिंग हुई? फाइव मेंबर, और रिंग के अंदर मोस्टली एक ही एक्सपेंशन, दो तीन तीन एक्सपेंशन नहीं होते। ओके सर, आगे मान लो ये है, आपने इसकी रिएक्शन कराई H2O हीट के साथ, क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है, और ऐसा बनने के बाद ये जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप इधर माइग्रेट कर जाएगा, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, आप समझना, एक दो तीन चार, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ है, चार कार्बन अभी भी रहेंगे, और ये रिंग कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ कार्बो कटा है, और इसका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, समझा? आपने लिया ऐसा, ठीक है, आपने बोला आपने इसको H2O के साथ हीट दिया, क्या बनेगा? सबसे पहले कार्बोकटायन बनेगा, ये कार्बोकटायन एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करके मतलब ये वाली रिंग ऐसे एक्सपैंड कर जाएगी, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पर, डॉट, ठीक है, अब फिर से रीअरेंजमेंट होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन यहां पर है, यहां पर तीन ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे पांच अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकटायन है, अब क्या होगा, अब ये वाले रिंग एक्सपैंड करेगी और पॉजिटिव आएगा इधर, क्योंकि अब समझिए इसके लिए ये वाला भाई ये फर्स्ट पोजीशन है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, कोई टेंशन नहीं है, इसका ग्रुप जो होगा ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला बॉन्ड ऐसा का ऐसा इधर माइग्रेट कर जाएगा, और ये बन जाएगा, अब ध्यान दें, ये छह मेंबर की रिंग, ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा बनने के बाद यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आर वी क्लियर? यस सर।
अब यहां से ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर सकता है, यहां से ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर सकता है, तो ये बन जाएगा ऐसा, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव, are we clear on this carbocation rearrangement? क्या आप लोगों carbocation rearrangement clear है? अरे बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए सर फोटो। सर बोल बेटा। सर वो राइट साइड में एकदम नीचे पॉजिटिव चार्ज उसके नीचे वाले कार्बन पे आएगा ना बेटा? समझ, जब तुमने मतलब वो तो बात एक ही है ना, इधर लिखो चाहे इधर लिखो बात एक ही है भाई, ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होके इधर गया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर को यहाँ अच्छा ही लगा तो ऊपर बनाए तो ये रहे। सर वो नए पिक्चर है जो एक बार फिर से बताओ ना। सर ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकला और इधर चला गया। हाँ सर। तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये इस वाले कार्बन की वैलेंसी चार थी, आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी तीन रह गई। हाँ सर।
सर अच्छा, अरे कॉपी हो गया क्या सर? बोल भाई। सर वो जो लास्ट एग्जांपल की सेकंड लास्ट स्टेप है ना, वो स्पायरो से बायसाइक्लो में कन्वर्ट होने की, सर एक बार फिर से समझाओ ना। दिक्कत बता सर, वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा सर। इधर समझ भाई, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा और इधर चला गया, बस तो ठीक है, समझ में आने वाली बात ही क्या है। फिर तो उनके बीच का कॉमन बॉन्ड कौन सा हो गया भाई? ये कॉमन बॉन्ड रह जाएगा ना दोनों के बीच का। हाँ सर। देखिए आप, जैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, सॉरी रिंग एक्सपेंशन है, थ्री मेंबर की रिंग कभी भी फोर मेंबर की रिंग में कन्वर्ट नहीं होती। मतलब यदि रिंग, मतलब यूजुअली, कभी तो कैसे करवाते हैं यूजुअली, मतलब यदि आपके पास ये वाला एक कंपाउंड है समझिए, और आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O और हीट के साथ, तो कार्बोकटायन बनेगा ऐसा, और ये वाला कार्बोकटायन रीअरेंज करके ये कार्बोकटायन नहीं बना, क्योंकि इट इज अ वेरी स्टेबल कार्बोकटायन, इट इज अ वेरी स्टेबल कार्बोकटायन ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। देखिए कोई भी चीज होनी चाहिए, कोई भी एक फैक्टर वर्क कर जाना चाहिए, जो फैक्टर वर्क कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलेंगी। दूसरा, एक चीज रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, जैसे आपने मान लो ये वाला कार्बोकटायन लिया, तो ये वाला कार्बोकटायन आपने, सॉरी ये वाला आपने एल्काइल हैलाइड दिया और आपने इसको H2O के साथ हीट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा और ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये रिंग बन जाएगी ऐसे। देखिए रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों स्टेबिलिटी के ही दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं। रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी आती है तो रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है इसीलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये आर वी क्लियर? तो ये होता है रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, पूरा एल्काइल शिफ्ट। अब टाइम क्या हुआ ये बताओ, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाऊंगा। 9:37
कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर बोल भाई। सर रिंग कॉन्ट्रैक्शन 7 मेंबर से 6 मेंबर में हो सकता है क्या? होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन आगे में 6 से 5 कैसे होते हैं? मतलब रिंग एक्सपेंशन का उल्टा मैकेनिज्म कैसे? मतलब जैसे रिंग एक्सपेंड कर रही थी उसी का उल्टा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। भाई समझना, तेरे पास ये जो ग्रुप है भाई, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई, तो ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ से निकल के इधर चला गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया और कुछ नहीं है। सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला है, वो एल्कीन एल्कीन या फिर डांसिंग रेजोनेंस वाला? अरे एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है इसका भी, जब तूने हीट देके छोड़ दिया तो पहला प्रोडक्ट आखिरी प्रोडक्ट तो एल्कीन ही बनेगा ना। हाँ सर ठीक है। अब देखिए और भी अपन केसेस कर सकते हैं, पर वो केसेस अपन करेंगे अब जब और आगे कार्बोकैटायन्स की रिएक्शन आएगी, वरना सारा का सारा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट अभी कर लेंगे तो फिर बाद में बड़ा बोरिंग होता है। टाइम नहीं है वरना मेरे को फुट ध्यान रखिए, मैं अभी आपको टॉपिक लिख के बता रहा हूँ, मुझे बताना है कि पहले ये पढ़ाना है पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ ईवन एलिमिनेशन, मुझे ये बताना है विद रिएक्शन कॉर्ड। मैं टॉपिक बता रहा हूँ मुझे क्या पढ़ाना है, ये भूलना नहीं चाहिए हूँ मैं तो। परसों कॉपी कर लीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर ये ना यार इतना अनक्लियर आ रहा है क्योंकि हर मतलब मानस ने फिर को भेजी है मेरे को। सर पढ़ते तो आ रहा है। सर बोल बता। सर अगर 3 मेंबर भी है और 4 में मतलब 4 मेंबर भी है तो कौन सा वाला करे? 3 मेंबर नहीं, ये 6 मेंबर या फिर 7 मेंबर बन सकता है, तो फिर कौन सा बनेगा? 6 वो स्टेबिलिटी के हिसाब से। बिल्कुल चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर आप डीपीपी भेजो ना। सर बोल माना, सुनाई दे रहा है मेरे को। सर आप